जय मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के शुक्ला मोड़ पर, जहां पर लंबा चक्का जाम किया गया है। चक्का जाम करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि कल मोरवा और शुक्ला मोड़ के मध्य में जो रेलवे पुलिया पड़ती है, वहां पर एक दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में लोगों की दो लोग थे, जिसकी एक व्यक्ति की मौत तो वहीं पर घटना स्थल पर ही हो गई थी और एक व्यक्ति को बनारस रेफ़र किया गया था। तो मृतक के परिजन जो कि बरवानी गांव बरवानी से ये लोग हैं, और ये सभी लोग यहां पर आकर शुक्ला मोड़ पर चक्का जाम किया हुआ है। इन लोगों ने इनकी कुछ मांगे हैं। देखा जाए तो शुक्ला मोड़ एक ऐसा व्यस्ततम मार्ग है जो कि कई परियोजनाओं को जोड़ता है, बल्कि ये कई जगहों को ये रास्ता लोग यहाँ से आते जाते हैं। तो ये पूरा अभी पूरे तरीके से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये पूरा जो शुक्ला मोड़ है वह पूरे तरीके से जाम किया जा चुका है। मृतक के परिजन यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ के जो मोरवा थाने के प्रशासन है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। इनकी क्या मांग है और ये क्या चाहते हैं, इस संदर्भ में हम जुड़ते हैं। जो मुआवजा चाहिए और हमारे भाई का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए सरकार से हमारी निवेदन है कि उसके लिए प्रतिपालन के लिए चाहिए। उसके साथ एक माँ है और हम लोग उसके साथ में हैं। आप मृतक के क्या है? मृतक के हम भाई हैं। मृतक का नाम क्या है? जयप्रसाद तिवारी। जयप्रसाद तिवारी जी, आप सब कहाँ से? बरवानी से हैं हम लोग। बरवानी गांव से जी। तो अभी आप लोग चाहते हैं कि मुआवजा मिले? हाँ, उचित मुआवजा मिले और उसके छोटा बच्चा है, उसके साथ माँ है, उसके लिए जीवित आधार चाहिए। कुछ उसके साथ जो रहता था उसके लिए जीवित आधार चाहिए। ये चाहते भाई हमारे कुछ आधार ना दे सरकार, तब कैसे जिए? वही लड़का का आधार पर रहब कर दी, पूरे परिवार की ओकर ही माथे रह लेठे पर बच्चों बात वो वोट बा। इसी प्रकार से ऐसा ही होता रहेगा तो कितने मनुष्यों की मौत की घाट उजड़ जा रहे हैं, उनके बाल बच्चे की प्रतिपालना कौन करेगा? अब तो वह तो चले गए, उनके बच्चे, उनके माँ, उनके और कुछ जो हैं वो क्या करेंगे? कहने प्रशासन से हमारा कहना यह है उनके लिए मुआवजा दिया जाए, उनके लिए कलम भी दिया जाए, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ सहयोग राशि होती है उसके लिए अगला राशि कुछ दिया जा सके ताकि वो उनकी प्रतिपालना हो सके। भाई जो कमाने वाला था, खाना खवाने वाला था, वो तो चला गया। जो हम मौके पर प्रशासन क्या चाह रही है, क्या करेगी, क्या कहेगी, उसके लिए निर्णय मिलना चाहिए।